हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक वन बच्चे आज का जो टॉपिक है अगेन ये यूपीएससी का ना वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है विच इज योर एनवायरमेंट इकोलॉजी राइट इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर ये वाला टॉपिक है प्लस इसके अंदर एक दो स्टेटिक टॉपिक्स भी कवर होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ना हम एक माइग्रेटरी वाटर वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं राइट वॉटरबर्ड माने जो वॉटर के आसपास रहते हैं इसको वॉटर रिक्वायर्ड है अपनी ब्रीडिंग के लिए फूड के लिए फॉर दैट मैटर जैसे फॉर एग्जाम्पल डक राइट तो वैसे ही आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द्लैक ने राइट

राइट आइए बच्चे तो दिस इज दैट ब्यूटिफुल बर्ड हैव अ लुक राइट इसको बोलते हैं हम ब्लैक नेक्ड ग्रेब विच इज ऑल्सो कॉल्ड द द्रेब राइट इसको इस नाम से भी जानते हैं अगर कोई सवाल आएगा तो इयर्ड ग्रेब के नाम से भी आ सकता है ब्लैक नेक ग्रेब के नाम से भी आ सकता है राइट right? तो आपने जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम चेंज कर दिया और आपने पढ़ा सारा होगा लेकिन अब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वही है या वो नहीं है राइट right? तो यूपीएससी इस टाइप की गेम खेलता है

ये बायोजियोग्राफिक रेल्म है बाय द वे है ना देर आर एट बायोजियोग्राफिक रेल्म्स है ना जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बायोम्स की बात कर... इसको डिटेल में भी देखेंगे हम अगर हमारे पास वीडियो में टाइम हो अगर हम बायोम्स की बात करते हैं बायोम्स में हम देखते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम सिस्टम है एक दूसरे के साथ में जब हम बायोजियोग्राफिक रेल्म्स की बात करते हैं सो दीज आर दी स्पीशीज जो एक दूसरे से कभी टच में नहीं आई एक नेचुरल बैरियर बन के रहा इनके अराउंड राइट फॉर डिफरेंट रीजन आइस एज थी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अलग अलग रीजन की वजह से तो ये रीजन आठ वो वाले हिस्से हैं जो कि समहा एक दूसरे से कटे रहे राइट right? तो इसको हम बायो बायोजियोग्राफिक रेलम बोलते हैं ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका ये इनके विंटर्स में इट ब्रीड्स इन सदर्न अफ्रीका आप रेंज देखिए साउथ वेस्ट कैनेडा वेस्टर्न यूएसए एंड सेंट्रल मैक्सिको ठीक है बच्चे

विद डिस्टिंक ब्राइट रेड आईरिस आइरिस जो आई के अंदर होता है इट्स टॉप ऑफ देंटल एंड बैक ऑफ द नेक इज ब्लैक फ्रंट इज ग्रे है ना मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है आगे चलते हैं बोनस इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बात कर रहा था uh, जो पहले ऑर्टिक रेल है इट इज दार्जेस्ट ऑफ द एट बायोजियोग्राफिक रेल्स ऑफ दर्थ

Which is your... जी, आपको सबसे, सबसे बड़ा, आ, बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा याद रखने के लिए है ना और अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो आपको बेटर रिकॉर्डिंग मिलेगी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा किसके साथ में है कौन कौन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं है ना you know, और बाउंड्री क्यों है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली और इसकी बाउंड्री माइग्रेशन क्यों अवॉइड हुई थी right? राइट okay? mm -hmm. इंडो अगर अबाउट होक्सर बैठ ले राइट इट इज इन कश्मीर वैली इट इज अ डेजिग्नेटेड बर्ड सेंचुरी इट इज सिचुएटेड अलोंग झेलम रिवर बेसिन इसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है बच्चे आप यहां से पढ़ सकते हैं राइट एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024